सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बाढ़ से हुई तबाही से जूझ रहे केरल की मदद के लिए दुनिया भर से लोग और भारत के कई राज्यों की सरकारें आगे आई हैं। इसके अलावा अब अंबानी परिवार के रिलायंस फाउंडेशन ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। साथ ही रिलायंस फाउंडेशन 51 करोड़ रुपए का राहत सामान भी बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस की मदद किसी भारतीय कंपनी के मुकाबले सबसे ज्यादा तो है ही, साथ ही कई राज्यों द्वारा दी गई मदद से भी कई गुना ज्यादा है। इस बारे में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा है कि केरल के लोग बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। फाउंडेशन की टीम वहां मुसीबत में फंसे लोगों की हर तरह से मदद कर रही है। हमने लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 करोड़ रुपए की मदद की है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन ने केरल में बाढ़ में तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस ठीक करने, राहत कैंप लगाने, स्कूलों और अस्पतालों की मरम्मत करने का ऐलान किया है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।